राम राम दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल राज फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जेनफ्लेक्स प्लस टैबलेट के बारे में, जो कि डबल एंटीबायोटिक दवा है और यह जो है अनेक प्रकार की बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस जेनफ्लेक्स प्लस टैबलेट को किन किन प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, इस दवा के कंटेंट के बारे में, सावधानियों के बारे में, डोज के बारे में और सबसे जरूरी इस दवा का साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है, इन सब के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस दवा की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी दवा की नई नई वीडियो रोजाना आती है तो उस दवा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस दवा को जो है दोस्तों डिस्कवरी मैनकाइंड लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसकी मार्केट प्राइस को आप देखेंगे तो ये आपको जो 10 टैबलेट यानी एक स्ट्रिप जो है 159 रुपए की ऑल इंडिया में कहीं पर भी किसी भी मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दवा के कंटेंट के बारे में, इस दवा के इंग्रेडिएंट के बारे में, तो इसमें जो है सिफेक्सिम और फ्लॉक्सासिन होता है। इसमें फ्लॉक्सासिन जो है 200 mg और सिफेक्सिम जो है वो भी 200 mg यानी सब 400 mg को मिलाकर इसे जो बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। यह जेनफ्लेक्स प्लस टैबलेट दोस्तों बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक दवा है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखा गया। इसे डॉक्टर भी यूज करने की सलाह देते हैं। और अब बात करें इस दवा के यूज के बारे में, इसे जो है किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, तो एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कानों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कानों के अंदर दाने निकलना या फिर कानों से पस निकलना या फिर अन्य और कोई समस्या हो जाती है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए आप इस जेनफ्लेक्स प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद दवा है उसमें। या फिर दोस्तों आपके ट्रांसिल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गले में दर्द होना या फिर सूजन होना, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इस दवा का सेवन करने की सलाह देते हैं। निमोनिया की समस्या हो जाती है या फिर यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करते समय जलन होना या फिर अन्य और कोई प्रॉब्लम, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, फिर खांसी की समस्या है, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपके बोन में यानी हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस जेनफ्लेक्स प्लस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक दवा है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है। और अब बात करें इस दवा की डोज के बारे में दोस्तों, तो इस दवा को यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो है आपके हेल्थ कंडीशन, बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग, एज वेट के अकॉर्डिंग जो है दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। जैसे नॉर्मली एडल्ट को जो है एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम यूज करवाते हैं भोजन करने के बाद या फिर नाश्ता कराने के बाद, और अगर आपको अधिक समस्या है इन्फेक्शन की तो डॉक्टर जो इसे 3 टाइम भी यूज करवाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस दवा को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि यह जो शेड्यूल एज ग्रुप की दवा होती है जो कि आपको केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी पर ही मिलेगी। और अब बात करें इस दवा की सावधानियों के बारे में, कि इस दवा के यूज के दौरान आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस दवा को दोस्तों कभी भी आप ओवरडोज ना ले, जितना डॉक्टर आपको बताया है उतने टाइम ही ले। और अगर किसी पेशेंट के किडनी में या फिर लीवर में कोई समस्या है तो भी आप इस दवा का यूज बिल्कुल ना करें बिना डॉक्टर की सलाह पर। और हाँ दोस्तों, इसे जो है गर्भवती महिला को भी यूज कराने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अन्यथा ना कराएं। इस जेनफ्लेक्स प्लस टैबलेट को दोस्तों हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही यूज करें। ये तरह इसके यूज और सावधानियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में, कि इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो वैसे दोस्तों इसका जो कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता, फिर भी कुछ लोगों में जैसे लूज मोशन की समस्या, फिर स्किन पर एलर्जी होना, वोमिटिंग जैसा लगना, उल्टी या फिर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, तो आप जो घबराएं नहीं बल्कि इस टैबलेट का सेवन करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये रही हमारी जेनफ्लेक्स प्लस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी या फिर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो आप जो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको इस दवा के लेकर कोई डाउट रह गया, किसी अन्य दवा की जानकारी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, वेटनरी हो यानी जानवरों की हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तो आप जो इस दवा का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम दवा की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।